गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास, क्लास 10th हलवासिया विद्या विहार. एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर कंटिन्यूड चैप्टर नेटवर्किंग फंडामेंटल्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स. इंटरनेट क्या है? हमने वैन पढ़ा था, वाइड एरिया नेटवर्क, उसका एग्जाम्पल होता है इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला हुआ है और बहुत सारे लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क. ये बहुत छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके बना हुआ है. सो यू कैन कॉल इट ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इट इज ए वाइड नेटवर्क दैट इज बेस्ड ऑन वेरियस टेक्नोलॉजीज. अलग अलग नेटवर्क हैं. मान लो इंटरनेट बना है बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में लिंक करके, और वो सारे नेटवर्क हो सकता है अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हों. बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं एंड दे मेक इंटरनेट. दीज इंडिविजुअल नेटवर्क्स, स्मॉलर नेटवर्क्स में हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. सो व्हाट इज इंटरनेट? यू हैव टू डू दिस डेफिनेशन ओनली. इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. ये एक कंप्यूटर बेस्ड बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं. उसके बाद आता है इंटरनेट के कॉम्पोनेंट्स. वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स? इंटरनेट के बहुत सारे कॉम्पोनेंट हैं जिनमें से एक बहुत कॉमन जो कॉम्पोनेंट है दैट इज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? आप सोच रहे होंगे हर वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड वेब है. हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब जितनी भी वेबसाइट हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर ही आती हैं, मोस्ट ऑफ देम. कुछ अलग सर्विस भी होती हैं. ये इंटरनेट पे प्रोवाइड की गई एक सर्विस है. इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं बेटा, उनमें से एक सर्विस ये है, एक कॉम्पोनेंट ये है. सो ये इंटरनेट का एक कॉम्पोनेंट है. दिस इज नॉट ऑल अबाउट द इंटरनेट. WWW ही इंटरनेट है ऐसा नहीं है. ये इंटरनेट का एक कंपोनेंट है, एक सर्विस है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है. है क्या ये सर्विस? ये डेफिनेशन तो हम पढ़ेंगे और आपको यही करनी है, लेकिन उससे पहले उसमें क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स आपने सर्व की होंगी, आपने विजिट की होंगी. हर वेबसाइट में आपने देखा होगा किस तरह का डेटा होता है. टेक्स्ट होता है उसमें, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, मल्टीमीडिया यानी इमेज हो सकता है, इमेज या ग्राफिक्स. इन सबको हम मल्टीमीडिया भी बोलते हैं. ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, इन सबको कलेक्टिवली हम मल्टीमीडिया. तो टेक्स्ट हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, या हाइपर टेक्स्ट हो सकता है. हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने कोई इंटरनेट पे कोई वेबसाइट खोली, कोई वेब पेज खोला, उस वेब पेज में कोई ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा है सर्च, उस पर आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो कोई नया वेब पेज खुल गया. इस तरह के जो लिंक होते हैं उनको हम हाइपरलिंक बोलते हैं. हाइपरलिंक्स आर द लिंक्स ऑफ सम अदर वेब पेजेस प्रोवाइडेड समवेयर. जहाँ भी हाइपरलिंक होता है, जब उस हाइपरलिंक पे आप क्लिक करते हैं, इट विल रीडायरेक्ट यू टू सम अदर वेब पेज. उसका एड्रेस इस हाइपरलिंक में होता है. वो कैसे है वो डिटेल्स नहीं है आपके सिलेबस में. तो हाइपरलिंक्स होते हैं, क्या क्या होता है आपके वेब पेज में? टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक या हाइपर टेक्स्ट. ये सब मिला के आपका क्या बनता है? वेब पेज बनता है. और ऐसे कई सारे वेब पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उनको मिला के बनती है आपकी वेबसाइट. देखा होगा आपने, जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, उसमें 4 पेज हैं या 15 पेज हैं, कितने अलग अलग, हर वेबसाइट में उसके अपने सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस होते हैं. जैसे आपकी बुक होती है, बुक क्या होती है बेटा? आप कंप्यूटर की बुक उठाएं या साइंस की बुक उठाएं, तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में कभी मैथ का चैप्टर आ गया, कभी उसमें SS का चैप्टर आ गया, ऐसा तो नहीं है. एक सब्जेक्ट की आपने बुक उठाई, उसमें रिलेटेड, उसमें जितने भी पेजेस हैं रिलेटेड टॉपिक हैं और रिलेटेड
टॉपिक्स के पेजेस हैं और वो आपस में लिंक्ड हैं, बाइंड हैं, बाउंडेड, दे आर बाउंडेड एज अ बुक. इसी तरह से वेबसाइट होती है जिसमें वेब पेज होते हैं. सबसे पहले मैं बता दूं वेब पेज क्या होता है. एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है. इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल पेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है उसको आप बोलते हैं वेब पेज. ठीक है. अब कई सारे इंटरलिंक्ड प्लस रिलेटेड वेब पेजेस का जो ग्रुप है उसको आप बोलेंगे वेबसाइट. इंटर ए ग्रुप ऑफ इंटरलिंक्ड एंड रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट. ऐसा तो नहीं है आपने कोई वेबसाइट ऐसी देखी है कि पहले पेज में वो किसी और, मान लो आर्म्ड फोर्स की इंफॉर्मेशन दे रही है, दूसरे पेज में वो CBSE की इंफॉर्मेशन दे रही है, तीसरे पेज में वो पॉलिटिकल पार्टीज की इंफॉर्मेशन दे रही है. नहीं, द डेटा थ्रू आउट अ वेबसाइट इज कंसिस्टेंट. मतलब वो किसी एक ही टॉपिक के बारे में रिलेटेड वेब पेज होते हैं. ठीक है. तो ये वेब पेज, वेबसाइट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया. अब जो वेबसाइट पे ये इस तरह का कंटेंट है ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं. मतलब वेब पेज में ये इतना सारा कंटेंट आप डाल रहे हैं. जब बेटा WWW वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब वेबसाइट या वेब पेज पे, एक वेब पेज के अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता था. ठीक है. उसके बाद WWW इंट्रोड्यूस हुआ. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यूजर्स वर एबल टू पोस्ट और डाउनलोड. पोस्ट मतलब अपलोड करना या अपलोड, और डाउनलोड मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट इनटू ए वेब पेज. मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए ही आप मल्टीमीडिया या मल्टीमीडिया और हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक्स अपने वेब पेज में डाल सकते हैं. अगर मुझे वेबसाइट पोस्ट करनी है, वेबसाइट मुझे पब्लिश करनी है, तो आप पब्लिश कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो डाउनलोडिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक्स आर एनेबल्ड बाय द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. अब ये पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल. इसमें प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं. प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स. तो ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है बेटा. वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ द मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट. ठीक है. सो दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब. एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट. ठीक है. उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट. बताया मैंने वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट इंटरनेट, बट वर्ल्ड वाइड वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट. इट इज वन कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनेट. बहुत सारी सर्विसेज होती है इंटरनेट पे जिनमें से वर्ल्ड वाइड वेब एक है. बाकियों के एग्जाम्पल अगर आप पूछें तो जैसे आपका है टेलनेट है, FTP है, ये आते हैं. अगर आगे आए तो मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी. उसके बाद है कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनेट. और क्या क्या हो सकते हैं कॉम्पोनेंट एक्सेप्ट वर्ल्ड वाइड वेब. जैसे अभी बताया मैंने फॉरम्स होते हैं. फॉरम क्या है? एक ऐसा वर्चुअल प्लेस होता है बेटा इंटरनेट पे जहाँ पे आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं. किसी को उसका आंसर बताओ तो वो आंसर पोस्ट कर देगा. मान लो मुझे यही क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट. मैंने एक फॉरम में जाके ये क्वेश्चन पोस्ट कर दिया. जिसको भी आंसर पता है वो उसका आंसर रिप्लाई कर सकता है. सो दीज आर द, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ वर्चुअल प्लेस ऑन इंटरनेट वेयर यू कैन पोस्ट सम क्वेश्चंस और यू कैन आंसर टू सम एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस देयर एज वेल. उसके बाद आता है रिसर्च डेटाबेस. इंटरनेट पे बहुत सारा रिसर्च डेटाबेस है जो यूनिवर्सिटीज या जो रिसर्च कंपनीज हैं वो यूज करती हैं. उसके बाद है यूजनेट डिस्कशन ग्रुप. यूजनेट क्या है बेटा? अगेन एक ऐसा वर्चुअल प्लेस है जहाँ पे लोग किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बेटा. अगर आप किसी यूजनेट पे जाएं तो वहाँ पे आपको न्यूमरस टॉपिक्स मिलेंगे. ठीक है. सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे टॉपिक का. जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि फ्रॉम लेटेस्ट बॉय बैंड टू फेवरेट पेट है, योर फेवरेट सब्जेक्ट है. लाइक आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी टॉपिक, मान लो आप एनिमेशन में जाना चाहते हैं तो एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप होंगे. किसी भी ग्रुप में जाके आप अपना, आप बाकियों क्या वहाँ ऑलरेडी जो पोस्टेड इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं. खुद को अगर कुछ पता है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं. ठीक
ठीक है। उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल टू सेंड डेटा और लेटर्स इमिडिएटली। इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है बेटा, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक आपने यूज़ किया है, दैट इज सोशल नेटवर्किंग, लेकिन उसका एक मैसेंजर होता है दैट एनेबल्स यू टू चैट और सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस इन रियल टाइम, तुरंत जाता है ना। उसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है। मतलब कोई कंप्यूटर है जो आपके आपका लोकल नहीं है, एक कंप्यूटर जिसके ऊपर आप बैठ के काम कर रहे हैं, दैट इज योर लोकल कंप्यूटर, ठीक है। एक ऐसा कंप्यूटर दैट यू कैन नॉट एक्सेस, चाहे वो आपसे थोड़ा सा दूर हो या बहुत दूर हो, दैट डजेंट मैटर, जिसको आप डायरेक्टली फेस टू फेस एक्सेस नहीं कर रहे हैं, दैट इज योर रिमोट कंप्यूटर। टेलनेट क्या होता है, लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में लॉग इन करने के लिए, सो दैट यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर्स देयर। मान लो ये आपका लोकल कंप्यूटर है, ये कोई बहुत दूर कोई रिमोट कंप्यूटर है। अगर आपके पास टेलनेट क्लाइंट, इसमें क्लाइंट और सर्वर दो होते हैं, यहाँ पे है मान लो टेलनेट सर्वर, तो टेलनेट क्लाइंट जो लोकल कंप्यूटर पे होता है वो टेलनेट सर्वर पे लॉगिन करेगा बाय यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद एक बार सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं या और कोई फीचर है, वो आप लॉगिन करके वो आप यूज कर सकते हैं। यू कैन सो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट यू कैन लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर एंड यूज द फंक्शनैलिटीज अवेलेबल देयर। उसके बाद आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसमें भी दो वर्जन्स आते हैं, FTP क्लाइंट और FTP सर्वर। FTP क्लाइंट विल लॉग इन इनटू द FTP सर्वर फॉर फाइल ट्रांसफरिंग। ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट एक्सेप्ट WWW। क्या क्या कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, वर्ल्ड वाइड वेब, फॉरम, उसके बाद हमने पढ़ा है रिसर्च डेटाबेस, यूजनेट, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेलनेट, FTP, एक गोफर भी होता है। ये किस लिए होता है, टेक्स्ट मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें टेक्स्ट या मेन्यूज होते हैं। उसके बाद आता है बेटा इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। ये इसमें से मैं थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ। वेब पेज इज ए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पेज दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। कई सारे रिलेटेड वेब पेजेस का ग्रुप जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं उनको वेबसाइट कहेंगे। उसके बाद एक आता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। जो भी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है वो होता है क्लाइंट, और जो वेब पेज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है वो होता है सर्वर। ऐसा कंप्यूटर जो मैंने पहले भी बताया था, जो वेब पेजेस की वेब ब्राउजर होता है, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसमें आपने डाला www.google.com, तो वो वेब ब्राउजर जैसे आपने किया गो या ओके पे क्लिक किया, तो आपका कंप्यूटर एट दैट टाइम विल एक्ट एज क्लाइंट। आप क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे हैं और वो पेज जिसका एड्रेस है www.google.com उसके ऊपर आप वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उसके बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के सर्वर के पास। सर्वर का क्या काम है, टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज फ्रॉम क्लाइंट्स। क्लाइंट से वेब पेज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और जो भी वेब पेज उन्हें चाहिए वो जनरेट करके उनके पास भेज देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी हैं वेब पोर्टल, इट विल टेक सम टाइम। तो उसके बाद के जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंटरनेट पे यूज्ड टर्मिनोलॉजी हैं, इन टर्म्स को हम कल करेंगे। ये आप जो आज एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू।